हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे इंटेलिजेंट फिंगरप्रिंट लॉक का सेटिंग कैसे करते हैं, यानी फिंगरप्रिंट डोर लॉक का सेटअप कैसे करते हैं कि हमारे ही फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो, दूसरे किसी के फिंगरप्रिंट से अनलॉक नहीं हो। यानी जिस फिंगरप्रिंट को हम सेट करेंगे अपने फिंगरप्रिंट या अपने घर में या किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से हम इसे सेट कर देंगे, उसी के फिंगरप्रिंट से ये ओपन होगा यानी अनलॉक होगा, दूसरे किसी के फिंगरप्रिंट से ये अनलॉक नहीं होगा यानी ओपन नहीं होगा। या चाहते हैं एक फिंगरप्रिंट के अलावा दूसरा भी फिंगरप्रिंट ऐड कर दे, या दो लोगों का, तीन लोगों का फिंगरप्रिंट ऐड कर दे, तो वो कैसे, इस तरह के जो हमारे फिंगरप्रिंट डोर लॉक आते हैं उसके अंदर किस तरह से सेटिंग किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ए टू जेड इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जो फिंगरप्रिंट डोर लॉक होता है इस तरह का, उसके अंदर किस तरह से सेटअप किया जाता है। तो जैसे कि हमारे पास ये है फिंगरप्रिंट डोर लॉक, जिसे इंटेलिजेंट फिंगरप्रिंट लॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कलर की बात करें तो दो तीन कलर में आता है, जैसे सिल्वर, ब्लैक, गोल्डन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस बॉक्स को ओपन करेंगे और देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या दिया गया है लॉक के साथ। तो यहाँ पे इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे, इस साइड से दबाएंगे ये बाहर आ जाएगा, इस तरह से खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक पेपर हमें मिल जाता है कि ये कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या दिया गया है और इसे कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इसे रखते हैं हम साइड में और यहाँ पे देखते हैं, ये है एक हमारा चार्जिंग केबल और उसके बाद इसके अंदर है एक पिन जिसे हम लोग सेटअप करेंगे इसको। और ये आजकल आप देखेंगे तो मोबाइल में जो सिम वगैरह लगाना रहता है उसमें भी इस तरह का पिन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये डोर लॉक है, इसे भी चलिए इसमें से निकालते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये देखिए तो हमें इस बॉक्स में मिल जाता है तीन चीज़, एक आपका लॉक मिल जाता है, एक पिन मिल जाता है, एक चार्जर केबल मिल जाता है। चार्जर केबल जो है इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे इसके अंदर हमें लगाना होगा, जो USB का यहाँ पर जैक दिया गया है इसमें ऐसे लगा देंगे। उसके बाद एक आपको मोबाइल चार्जर चाहिए, जो घर में जनरली हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, जिसमें USB का आपका ये लग जाए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक चार्जर है, इसके अंदर लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद जिस तरह से मोबाइल हम लोग चार्ज करते हैं उस तरह से बोर्ड के अंदर इसे लगा देंगे। जैसे कि चलिए एक बोर्ड हम यहाँ पे लिए हुए हैं, इसके अंदर ऐसे डालेंगे और ये चार्ज होने लगेगा। जब चार्ज होगा तो थोड़ा थोड़ा इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, जैसे कि चार्जिंग का ब्लिंक करता है ना, उसी तरह से ये आपका करीबन 1.5 आवर्स यानी डेढ़ घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगा। अगर बात करें इसकी बैकअप की तो इसके अंदर जो बैटरी है ना वो 3.7 वोल्ट की है और 100 mAh की है। 3000 बार ये अनलॉक इसे कर सकते हैं, यानी 3000 बार इसे खोल सकते हैं, इसकी बैटरी की कैपेसिटी है और ये कंपनी का दावा है। तो इस तरह से इसे चार्जिंग भी आप कर सकते हैं और ये 1.5 आवर्स में आपका फुल चार्ज हो जाएगा। अब चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे चार्जर को निकालते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं इसे कैसे सेट करेंगे कि हमारे फिंगरप्रिंट से ओपन हो, दूसरे के फिंगरप्रिंट से नहीं ओपन हो, या दो आदमी, तीन आदमी का, दो चार लोगों का कैसे फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बतला दें, जो ये पिन है इसको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो किसी फ़ोन का जो पिन होता है उसका भी इस्तेमाल इसे कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पुश करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, ये जो डोर लॉक आता है कंपनी की तरफ से अनलॉक आता है, जैसे कोई भी फिंगर प्रिंट हम टच करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, चाहे कोई सा भी उंगली, क्योंकि ये बिल्कुल अनलॉक है, बिल्कुल फ्री है, किसी भी फिंगर प्रिंट से ये ओपन हो जाएगा। इसे सेट करना होगा कि हम फिंगर प्रिंट जो है अपने उंगली का या अपने घर में किसी बंदे का या जिनकी भी उंगली से आप चाहते हैं सेटअप करने के लिए, वो करना पड़ेगा। फिलहाल ये कंपनी की तरफ से अनलॉक ओपन आता है, ये आप समझ गए। अब चलिए हम बात करते हैं इसे कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ये लेना होगा और जहाँ पे चार्जर के लिए USB जैक दिया गया है वहीं पे आप गौर से देखेंगे तो एक और पॉइंट आपको दिख रहा होगा, बटन, छोटा सा ये बटन है जिसमें आपको पुश करना होगा पिन से, जैसे यहाँ पे ध्यान से आप देख लीजिए। अब चलिए इसे सेटअप करते हैं। सबसे पहले पिन लेंगे और 0.5 सेकंड तक इस तरह से दबाएंगे, उसके बाद निकाल देंगे तो यहाँ पे इस तरह से इंडिकेटर जलेगा। यहाँ पे एक फिंगर प्रिंट को यहाँ पे सेट कर रहे हैं, इसको 5 बार इस तरह से सेट करना होगा। जब ब्लू इंडिकेटर जल जाएगा तो रोक देना है और आवाज़ आपको थोड़ा थोड़ा आपको सुनाई दे रहा होगा,
तो इसको 5 बार कर लेंगे। उसके बाद दूसरा उंगली का सेटअप करेंगे, यानी दूसरा फिंगरप्रिंट घर में कोई दूसरे व्यक्ति को, जैसे कि ये हो गया, इसे 4 बार हमें करना है जो दूसरा वाला होगा। तो यहाँ पे अपनी ही हाथ को 2 उंगली यानी 2 फिंगरप्रिंट को सेट कर रहे हैं। आप घर में चाहते हैं दूसरे व्यक्ति का भी सेटअप कर सकते हैं। अब जैसे ये क्या होगा, जब खुलेगा तो इसी फिंगरप्रिंट से खुलेगा, जैसे यहाँ पे इसे टच करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा फिंगरप्रिंट टच करेंगे तो ये अब ओपन नहीं होगा, जैसे कि पहले अनलॉक था तो ये ओपन हो जा रहा था, लेकिन अब तो इसे सेट कर दिया गया है। जब खुलेगा तो 2 फिंगरप्रिंट से खुलेगा, क्योंकि इसको हमने सेट किया हुआ है तो इसी से खुलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और ये फर्स्ट टाइम जिसको हम किए हैं ना, ये देखिए बराबर अगर नहीं रखेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, बराबर रखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह से फिंगरप्रिंट को आप सेट कर रहे हैं उसी तरह से आपको फिंगरप्रिंट को इस पे टच करना होगा, तभी जाके ये ओपन होगा। दूसरा फिंगरप्रिंट से ये ओपन नहीं होगा सेटअप कर देने के बाद। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं, अगर फिंगरप्रिंट और ऐड करने हो तो कैसे ऐड करेंगे। ऐसे तो 10 फिंगरप्रिंट इसमें ऐड कर सकते हैं, या 10 लोगों का भी फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं। और ज़्यादा फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए सबसे पहले पिन लेंगे और यहाँ पे पुश करेंगे। पुश करने के बाद इसको हटाएंगे। यहाँ पे जो कलर जलेगा ये इस कलर का जलना चाहिए इंडिकेटर। उसके बाद फर्स्ट में जो फिंगरप्रिंट ऐड किए थे उसको रखेंगे, यानी एडमिन मिल गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे फिंगरप्रिंट को 5 बार आपको ऐड करना होगा, जैसे ये न्यू फिंगरप्रिंट को हम ऐड कर रहे हैं, इसे 5 बार हम यहाँ पे टच कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे 3 फिंगरप्रिंट हमारा ऐड हो गया। अब चलिए आपको चेक करके दिखलाते हैं। एक ये हमारा फिंगरप्रिंट हो गया, उसके बाद एक ये हो गया जो अभी हम किए हुए हैं, और इससे पहले 2 नंबर पे इसको किए थे। तो ये हमारा 3 फिंगरप्रिंट ऐड हो गया। अगर दूसरा हम फिंगरप्रिंट यहाँ पे टच करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पे एक और फिंगरप्रिंट को ऐड करके आपको दिखलाते हैं। जैसे यहाँ पे पिन को लेंगे और यहाँ पे इसको पुश करेंगे। पुश करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इंडिकेटर जलेगा और थोड़ा सा आवाज़ आएगा। और यहाँ पे आपको नोटिस करना है कलर। सबसे पहले फर्स्ट में जो फिंगरप्रिंट ऐड किए थे उसको यहाँ पर टच करेंगे, उसके बाद न्यू फिंगरप्रिंट आपको 4 बार यहाँ पर ऐड करना होगा और ये आपका सेट हो जाएगा। जैसे ये हो गया यहाँ पर सेट। अब चलिए फर्स्ट जो फिंगरप्रिंट था यहाँ पर टच कर रहे हैं, ये ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको अभी सेट किए हुए हैं, इससे भी ओपन हो गया। इससे पहले इससे हम सेट किए हुए हैं, ये भी ओपन हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, इससे ओपन नहीं होगा क्योंकि इसे सेट नहीं किया गया है, इससे सेटअप किया गया है, तो इससे हमारा ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से फिंगरप्रिंट को और आप बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और इसे रिसेट भी कर सकते हैं। वो चीज़ भी हम आपको चलिए दिखलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, कोई और फिंगरप्रिंट से ये ओपन नहीं होगा, जिसको हमने सेट किया हुआ है उसी से हमारा ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे रिसेट करने के लिए यहाँ पे ये लेंगे और इसे दबाएंगे, और यहाँ पे इंडिकेटर आप नोटिस कीजिए कि ये कौन सा कलर आपका जल रहा है। जैसे ये रेड इस तरह से ब्लिंक कर रहा है, तो फर्स्ट में जो हमने फिंगरप्रिंट ऐड किया था वहाँ पे इसको टच कर देंगे, अब ये अनलॉक हो गया। हर फिंगरप्रिंट से ये ओपन होगा, चाहे वो जिनका भी फिंगरप्रिंट हो, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, जिनका भी हो, जिन भी पर्सन का हो, उस फिंगरप्रिंट से ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अनलॉक फ्री है। अब इसे फिर आप सेट करना चाहते हैं कि किसी एक ही पर्टिकुलर किसी पर्सन से, यानी किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से या किसी बच्चे के फिंगरप्रिंट से ये ओपन हो, तो वो आप सेट कर सकते हैं। या आप चाहते हैं 2-4 लोगों के फिंगरप्रिंट से ओपन हो, उसे भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखलाया हुआ है। फिर भी यहाँ पर हम एक बार और आपको न्यू जो फिंगरप्रिंट है उसे ऐड करके दिखलाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको नोटिस हर चीज़ पे करना है कि इंडिकेटर हमारा कौन सा जल रहा है, तो इसे हम सेट कर रहे हैं। जैसे रेड पे नहीं होगा, जब होगा तो यहाँ पे इस तरह का इंडिकेटर ब्लिंक करना चाहिए, तब हम न्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड का हम अब ये वाला फिंगरप्रिंट ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले क्या था कि हम राइट हैंड का फिंगरप्रिंट ऐड किए हुए हैं। एक चीज़ और हम आपको बतलाना चाहेंगे कि अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अली एक्सप्रेस पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप जा करके वहाँ से बाय कर सकते हैं। एक बात और हम आपको बतला दें, अगर आपको कहीं पे परेशानी होता है इसे सेटअप करने में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक चीज़ और, वीडियो को पूरा कंप्लीट ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को A to Z अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि इसकी वीडियो फिर बनानी चाहिए, जो आप लोगों का प्रॉब्लम जो आ रहा
रहा है तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।